दंड लगवा रहे हैं। दंड ये पनिशमेंट नहीं है। दंड बने दंड की तरह सीधा हो जाता है शरीर, हाथ इसमें ऐसे रहते, छाती जितना फासला, पैर पीछे ले जाते हैं तो अंगूठा पास में, एड़िया पास में, सिर झुका हुआ, एक दो ऊपर उठे, तीन वापस, एक श्वास में एक अभ्यास, वन टू थ्री। अब दूसरा अभ्यास, इसका नाम है राम मूर्ति दंड। पहले साधारण दंड थी, नीचे ऊपर दो, फिर तीन नीचे, चार वापस, वन टू थ्री नीचे से, एंड फोर, पूरे ऐसे गए, पूरे ऐसे आए, रिलैक्स। इसमें जोर बहुत बढ़ता है। हाँ, तीसरा पक्ष विकास है, छोटी छोटी भुजाएं हो, छोटा सीना हो, सीना उभरावा, कमर कसी हुई, पूरा शरीर सलाहवा, तो अच्छा लगता है ना। वक्ष विकास, दंड पर पीछे, गर्दन सीध में, एक सीधी गर्दन, कमर और नितंब, एक दो, रिलैक्स। ऐसे 100 बार करना, जिनको बहुत बलवान बनना हो। कितने हो गए? 3। अब चौथा हनुमान दंड, पैर पीछे, एक नीचे, दो ऊपर, तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, दो थ्री। फास्ट करना हो तो ऐसे, रिलैक्स। कुछ तो लगे हुए बहुत जोर से, कुछ बीच में ही दम फूल जाता है। जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना। अब वृश्चिक दंड, पैर पीछे से उठेगा, सामने से झुकेंगे, एक घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, दो पीछे से पैर मोड़ना नीचे, आगे से पूरा झुकना चाहिए, वन टू एंड थ्री, वन टू रिलैक्स। जो भी करें पूरा करना, जो भी करें कैसे करना बोलो, पूरा 100% परफेक्ट। व्यायाम भी पूरा करें, प्राणायाम आसन मन एक्सरसाइज भी पूरी, काम भी पूरा, पढ़ाई भी पूरी, चरित्र भी पूरा, ज्ञान भी पूरा, भाव भी पूरा, कर्म भी पूरा, तीन ही तो शक्ति है हमारे पास, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति। पैर पीछे, दूसरा अभ्यास, पैर पीछे से, एक दो तीन चार, एक दो, कितना अच्छा है ना, पूरा। अब पार्श्व दंड, पार्श्व दंड में थोड़े से पीछे हो जाएंगे बच्चे, अब इसमें पैर थोड़ा साइड में जाएगा ना, एक दो तीन, चलो एक पूरा पैर सीधा, दो तीन, एक पूरा पैर सीधा, ऐसे आगे तक आए, आगे तक पूरा, दो तीन, एक पूरा आसन भी हो जाता है इसमें तो, मरकट आसन जैसे हो जाता है, दो तीन। अब अगला दंड है थोड़ा जोरदार, पार्श्व दंड के बाद चक्र दंड है, तो चक्र दंड में तो लगाता ही हो, अभी लगाते हैं, लगाओ दोनों लगाओ, चलो यस। चलो दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा लगाया, अब आप भी लगाओ। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? अनुपमा ने तो अनुपमेय ही किया है, और दिव्यांशु ने भी दिव्य किया, ऐसे तो पैर लेना है, ऐसे आया, ऐसे घूम गए, फिर ऐसे कर दिया,
तरह से करो कुमार, एक दो अब चक्र दंड के बाद पलट दंड, अब देखना है कितना जोर है, कितना दम है आपकी भुजाओं में, अच्छे काम में दम लगाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में। अब कातिल वाले तो चले गए अंग्रेज, लेकिन अभी भी बहुत से कातिल, उनका मुकाबला करने के लिए आपको बलवान बनना पड़ेगा। भजन सुनाते हैं। हे ओ शो बाजा जी फरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में, सर फरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सर फरोसे तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर फरोशे की दो बार करता हूं, एक मिनट में कितनी बार, आप 10-15 बार तो करो, ठीक है, जब थक जाओ तब रुक जाना। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है, सर फरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तमन्ना अब हमारे दिल में है। किया ना सबने, अब शरीर को और बलवान बनाना है तो जिम जाने की जरूरत नहीं, योग करेंगे तो बॉडी अपने आप बन जाएगी। सब बच्चों को अच्छा लगता है उनका शरीर बलवान हो, बहुत सुंदर हो, सुडौल हो, आकर्षक हो, फ्लेक्सिबल हो, एनर्जेटिक हो। तो ये पहला अभ्यास है बैठक का, फिर ये तो सब कर सकते हैं, 100 साल वाले भी कर सकते हैं, कुछ तो थोड़ा सा इतना सही झुकते हैं, इतना नहीं इतना सीधे सीधे, फिर दूसरा एक साथ, एक दोनों सामने दो ऐसे वापस, हाथ सीधे रहेंगे, हाथ मुड़ेंगे नहीं, एक दोनों हाथ कंधों के समानांतर, दो एक दो ऐसे, 5-5 बार भी कर ले पर्याप्त। तीसरा दोनों हाथ सामने, साधारण बैठक के बाद राममूर्ति बैठक, राममूर्ति बैठक, एक श्वास में एक अभ्यास,
पूरी बॉडी को टाइट करके धीरे धीरे नीच गए, धीरे धीरे ऊपर आए, फिर वापस ऐसे आ गए। फिर पहलवानी बैठक के दो अभ्यास हैं, एक दोनों हाथ कंधों के समानांतर, दो फिर ऐसे वापस आ गए, बैलेंस बनाना, एक दो, एक दो। फिर पांचवे अभ्यास में वो भी तीन बार बैठेंगे नीचे, फिर खड़े हो जाएंगे सीधे सीधे, एक दो तीन चार, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री। अब पहलवानी बैठक के बाद हनुमान बैठक। हनुमान जी बल के ज्ञान के सेवा के देवता है, दोनों सामने ऐसे पूरा बैठेंगे, जवान बच्चों को तो ऐसे पूरा बैठना चाहिए, पूरा उठना चाहिए, पूरे बैठे, पूरे उठे, हाथ कंधों के समानांतर, इतना नियंत्रण होना चाहिए अपने शरीर पर। फिर दाहिने पैर, के तीन अभ्यास, तीसरे अभ्यास में दोनों हाथ ऐसे सीधे सीधे बैठना, सीधे सीधे उठना, उम्र ज्यादा है तो इतना करना पड़ता है, बच्चों के लिए आधा नहीं, उनके लिए तो पूरा बैठना, पूरा उठना।